झुंझुनू टाइम्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। सिंघाना की मिश्रा वाली ढाणी में दुर्लभ प्रजाति का कछुआ मिला है। ये कछुआ ढाणी के समीप बने घरों के पास झाड़ियों में छुपा था, जहां पर स्थानीय निवासी महेंद्र कबाड़ी की नजर इन पर पड़ी तो इसे अपने साथ ले आए तथा इसके बाद उन्होंने वन विभाग को जानकारी दी। वन विभाग के गार्ड हंसराज मौके पर पहुंचे तथा उसे अपने साथ ले गए और पानी वाली जगह पर छोड़ दिया। वन विभाग के सिंघाना चौकी के कैटल गार्ड हंसराज ने बताया कि ये दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है, जो कहीं कहीं ही देखने को मिलता है और ये काफी दुर्लभ है। ये दुर्लभ कछुआ हमारे को मिला है और इसको हम ले जाके और हमारे वहां से आसपास जो भी पानी की जगह उसमें छोड़ देंगे। गुड़ागोर्जी की छुजनू रोड पर कम्युनिस्ट पार्टी की किसान सभा हुई। तहसील सचिव विद्याधर गिल की अध्यक्षता में भी सभा के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक पेमा राम थे, जबकि विशिष्ट अतिथि खंडेला विधानसभा क्षेत्र के सुभाष नेहरा, जिला सचिव सुमेर बुडानिया, महिपाल मामू, रोडवेज यूनियन के गजराज कटेवा, अमर सिंह यादव कुमावास, चौधरी मेहताब खरवास थे। सभा के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेताओं ने आपसी सहमति से मूलचंद खरीटा को सीपीएम पार्टी से उदयपुर वाटी विधानसभा का उम्मीदवार घोषित किया। सभा के समापन पर किसान नेताओं ने सैकड़ों समर्थनों के साथ रैली का आयोजन किया, जिसमें किसान विरोधी सरकारों के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इस मौके पर महिपाल बाबल ने खरीटा के चुनाव के लिए 1,00,000 की सहयोग राशि का चेक दिया। वैसे तो आमतौर पर संडे के दिन जिला मुख्यालय पर इतनी हलचल देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस रविवार को झुंझुनू के मान नगर परिषद के सामने काफी हलचल देखने को मिली। हलचल थी झुंझुनू में एमडी चौपतार के बिगुल फूंक देने की। दरअसल झुंझुनू में हमारा हक हमारा अधिकार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के जरिए एमडी चौपतार ने अपनी दिल की बात 36 कौम के लोगों एवं दिल्ली से आए कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के सामने रख दी। एमडी चौपतार ने कहा कि वे जन्मजाति कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। ना तो हमें सांसद, ना हमें विधायक, ना हमें चेयरमैन और ना ही हमें प्रधान की टिकट दी जाती है, लेकिन इस बार आगामी चुनाव में हम अपना हक लेने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा वो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। चाहे इसलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत से क्यों ना मिलना पड़े। एमडी चौपतार ने साफ कर दिया कि वे झुंझुनू विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारी करेंगे और वे एक कार्यकर्ता होने के नाते अपना हक मांग रहे हैं। शुरुआत में देश के शहीदों को याद किया गया, बाद में अतिथियों का माल्या अर्पण कर स्वागत किया गया। गायक कलाकार जाकिर अब्बासी ने प्रस्तुतियां दी। तेज गर्मी में भी 36 कौम के लोग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। विधानसभा के लोगों किया गया, हमारा अधिकार कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस आयोजन में 36 विधायक के लोग आज यहाँ पहुंचे, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस हमारा हक और हमारा अधिकार, हमारी जो भावना थी वो आज हमने अमल में की। हम बाई बर्थ कांग्रेसी हैं, हम जन्म जात कांग्रेसी हैं, हमने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन बंटवारा सही नहीं हो रहा है। हमें जनप्रतिनिधित्व के रूप में एमएलए का टिकट मिलता है, सांसद का टिकट मिलता है, ना हमारा कोई चेयरमैन है, ना हमारे कोई प्रधान है, ना प्रमुख है। आज हमने सब इकट्ठा किया और मेरे दीदी से आए मेहमानों के सामने माननीय रिजवान साहब, मिस्टर जहाजी चौधरी अकबर कासमी साहब को बुलवाकर जिन्होंने हमारा पर हमारा अधिकार की बात रखी कि आने वाले चुनाव में हमें हमारा हिस्से का हक दिया जाए। मैंने आज मेरे समाज से, मेरे 36 बिरादरी से, मेरे सुचिंतकों से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछकर झुंझुनू विधानसभा की कांग्रेस पार्टी से दावेदारी पेश की है। आने वाले वक्त में इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। 100 दिन तक चुनाव के बाकी रहे, टेंडर में नाम भेजना पड़ेगा, दिल्ली में जाऊंगा, जयपुर में जाऊंगा, राहुल जी के यहाँ जाएंगे, सोनिया जी के यहाँ जाएंगे, आयरन साहब के यहाँ जाएंगे, गहलोत जी के यहाँ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम समाज सदा से अपने वोटिंग परसेंटेज 95% वोट करता आया है और मुस्लिम समाज को कांग्रेस का पुरातन और परंपरागत वोट माना जाता है। ऐसे स्थिति में आज हम लोगों को हक के लिए अपनी पार्टी के बात पहुंचाने के लिए आयकर का पता पड़ रहा है। समाज का दर्द है, मुस्लिम समाज
समाज ने आजादी के बाद से और पहले से ही कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है। ऐसे में अपनी पार्टी की भी जिम्मेदारी रहती है कि इनको यथोचित मान सम्मान रखन दे। बड़ी विडंबना की बात है, झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है, इस समाज से कोई विधायक नहीं है, नगरपालिकाओं में कांग्रेस से कोई चेयरमैन नहीं है, कोई प्रधान नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि जो रायती हो सकता था किसी ने भी इस समाज का कोई भी मुस्लिम बंधु प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। ये इस समाज को चुनने वाली बात है, इससे मैं सहमत हूँ। और मेरी पार्टी के कांग्रेस में बैठे शीर्ष नेतृत्व से मैं मांग करता हूँ कि वो इनको संख्यात्मक दरबार में उचित प्रतिनिधित्व दें और इस हक की लड़ाई में मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो मुझसे संभव हो पाएगा जहाँ तक मैं बात पहुँचा सकता हूँ, मेरे स्तर पर मैं बात सदस्यता तक पहुँचाऊंगा। काशी साहब, आपने वक्ताओं का गुस्सा देखा है, ये यूं ही अचानक बना हुआ रोष नहीं है, बहुत लंबी अवेलना के ऊपर के शहर की अंतर। ये ऐसा कुछ नहीं मांग रहे कि भाई एकदम से अमूल चूल परिवर्तन कर दो, हमको ये दे दो। जैसे अगली भाई ने बताया, एक लंबी प्रक्रिया से सारा काम हम कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष के लिए रहा है, नया जैसे सर है, मेरे पुलिस के लिए रहता है, किसी का विरोध नहीं करता। पार्टी का आदमी पार्टी में बात कर रहे हैं और बड़ी पार्टी में ये छोटी बातें होती हैं। हम बंटवारा करते हैं, हर मारते हैं, घर पर मिलता है, तो अभी भी हमारे साथी है, पार्टी का सिपाही रहे, सच्चा सेवक है, ये काम करता है। इसकी और आप सब लोगों की ये है भावना कि हम ये अपना हक मांगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपन पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर अपनी बात राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाए। आप नेशनल लेवल से सुधारे हो, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो दर्द और गुस्सा जो आपने देखा है उसको आप वहाँ पहुँचाइए। ऐसे में अगर ये स्थिति बिगड़ती है तो फिर पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए इस मुस्लिम समुदाय के भाइयों को विश्वास में लेकर अपने साथ तक चर्चा करके इनसे बात करके कहें कि जो उचित प्रतिनिधित्व है वो उनको अपन दिलाने में भी बात कर सकें, ऐसा मैं चाहूँगा कि आप ही प्रयास करें, मेरे प्रयास।